हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम सभी लोग कुछ घात यानी कि घातांक के कुछ नियमों को जानने वाले हैं। ठीक है, आप वीडियो को पूरी अंतर से देखिए। ठीक है, आप 10 मिनट आप धैर्य से देखिए। पूरी की पूरी मैथ के एक बेहतरीन टॉपिक है, आपको समझा देंगे। ठीक है, जैसे देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि घात, ठीक है, आपने कई बार ये शब्द सुना भी होगा। जैसे मैं एक छोटा सा सवाल आप सभी बच्चों से करता हूँ कि अगर यहाँ पर 3 × 3 × 3 और गुणे 3, ठीक है, इस तरह से 3 यहाँ पर गुना में 4 बार आए हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिखते हैं 3 × 4। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सब आप पहले से भी जानते हैं। ठीक है, कि 3 गुना में 4 बार आए हैं तो आप लिख सकते हैं 3 × 4। उसी तरह से अगर हम यहाँ पर कहें कि 5 × 5 × 5, तो आपका कहना ये होगा कि हम इसे लिख सकते हैं 5 × 3। बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पर लिखा जाए 7 × 7 × 7 × 7 × 7, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं बच्चे? हम इसे लिख सकते हैं 7 × 5। क्यों भाई 5 लिख सकते हैं? क्योंकि 7 जो है 5 बार गुना में आया हुआ है। ठीक है, उसी तरह से अगर हम ऐसे करें 1/7 × 1/7 × 1/7, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं बच्चे? तो हम इसे लिख सकते हैं 1/7 × 3 लिख सकते हैं। तो आप सभी को ये तो करने बिल्कुल आता है। ठीक है, लेकिन अब एक मेरा इसमें एक और छोटा सा आप सभी बच्चों से सवाल है कि अगर हम बोलते हैं 3 × 4, ठीक है, यानी इसे हम पढ़ते कैसे हैं? 3 × 4 या 3 × 4, है ना, यानी इसमें 3 का घात कितना है बच्चे? 4 है। या हम ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं कि इसमें 3 का घातांक जो है वो 4 है। ठीक है, चलिए इसमें बताइए, तो इसमें 5 का घात क्या है? तो 5 का घात 3 है। चलिए इसमें बताइए 7 का घात क्या है? तो 7 का घात 5 है। चलिए इसमें बताइए 1/7 का घात कितना है? 3 है। ठीक है, तो इसी को घात बोला जाता है। ठीक है, और घात वाले अंक को हम घातांक भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें एक और चीज आपको मैं बता दूं कि अगर मान के चलिए लिखा हुआ है यहाँ पर आपका 3 का घात 4 लिखा हुआ है, तो आप सभी बच्चों को समझ में आ गया कि जो 4 है इसे हम बोलते हैं घात। ठीक है, इसे हम पावर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पावर भी बोल सकते हैं। और जो नीचे 3 है ना, उस 3 को बोलते हैं आधार। इसे हम अंग्रेजी में बेस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आपको अब इतनी सी बातें पता चल गया कि कौन आधार होता है और कौन घात होता है। ठीक है, जैसे मैं और सवाल करता हूँ कि अगर यहाँ पर लिखा हुआ है 9 के पावर a, ठीक है, तो इसमें आधार कितना है बच्चे? इसमें आधार कितना है? तो आपका आंसर होनी चाहिए कि इसमें आधार 9 है और पावर कितना है यानी कि घात कितना है? तो 9 का घात a है। ठीक है, अब हम कुछ सूत्रों को जान जाते हैं कि कौन कौन से सूत्र हैं जो हम लोग को समझने चाहिए, क्योंकि कई ऐसे सवाल मैथमेटिक्स में मिलेंगे आपको जो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, तो चलिए इन सूत्रों को जान जाते हैं। देखिए पहला सूत्र आपका क्या है? पहला सूत्र है आपका कि अगर a का घात आपका m है, ठीक है, और गुणा a का घात आपका m रहे, तो इसका रिजल्ट होता है a का घात m प्लस m। ठीक है, मतलब इस सूत्र का कहना यह है कि अगर आधार बराबर रहे, जैसे इसमें भी आधार a है, इसमें भी आधार a है, और आधार बराबर रहे और ये गुणा में रहे, तो पावर क्या हो जाते हैं यानी जो घात होते हैं वो दोनों क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। ठीक है, अब इस पर एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे अगर हम कहें कि अगर हमने यहाँ पर 5 के पावर 7 लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पर हमने 5 के पावर 9 लिख दिया, ठीक है, तो यहाँ पर तो आधार 5 है और इसमें भी आधार 5 है और ये गुना में है, तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो आधार तो वही लिखेंगे और जो पावर है 7 और 9 इन दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि हमारा ये फर्स्ट नंबर फॉर्मूला जो है ये यही कहना है कि अगर आधार बराबर हो, गुना में हो, तो पावर को क्या किया जाता है? जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम 7 और 9 को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, 7 + 9। ठीक है, तो 5 के पावर 7 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, तो ये हमारा जो हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और उदाहरण देते हैं। एक और उदाहरण है कि अगर मान के चलिए यहाँ 3 का घात a हो गया और यहाँ 3 का घात b हो गया, ठीक है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? तो हम इसे लिख सकते हैं कि 3 का घात a + b, क्योंकि आधार बराबर है और गुना में है, तो पावर को क्या करना है? जोड़ देना है। अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसी तरह से एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान के चलिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है 1/4 के पावर x, ठीक है, और गुणे यहां पर भी 1/4 के पावर लिखा हुआ है y,
तो बताइए हम इसे कैसे लिखेंगे। तो हम इसे लिख सकते हैं एक बटा में चार और इसका पावर लिख सकते हैं x प्लस वाई। मतलब आप सभी बच्चों ने ये जाना कि अगर आधार बराबर होता है ठीक है और गुना में होता है तो पावर को क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। सिंपल हो गया ठीक है। अब हम चलेंगे सूत्र नंबर दूसरा को देखेंगे ठीक है। सात सूत्र हम बताने वाले हैं, सातों के सातों वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर देखें और आप अपने कॉपी पर नोट भी करें ठीक है। चलिए अब हम पहला सूत्र आपको बता दिए, इसे हम मिटा देते हैं ठीक है। ये सारे उदाहरणों को हम मिटा दे रहे हैं, हम दूसरा आप सूत्र लिखते हैं आपके सामने ठीक है बच्चे। देखिए दूसरा सूत्र क्या है कि दूसरा सूत्र है कि अगर a का घात m रहे और यहां पर भागा हो जाए और a का घात m रहे, मतलब कि ये दोनों में क्या अंतर है। दोनों में अंतर सिर्फ ये है, पहला सूत्र में और दूसरा सूत्र में क्या अंतर है कि पहला सूत्र में जो है सेम वही है, लेकिन बस एक जगह है कि यहां पर जो गुना है यहां पर क्या हो गया है, भाग हो गया है। तो इसमें क्या करना है आपको, इसका जो रिजल्ट होता है वो हो जाता है a के पावर m माइनस n ठीक है। मतलब कि अगर ये भाग में हो, आधार बराबर हो, तो आपका पावर क्या करना है, घटा देना है। और अगर ये गुना में हो, आधार बराबर हो, तो आपको पावर को क्या करनी है, जोड़ देनी है। बस इतनी सी बात आपको समझ में आनी चाहिए ठीक है। जैसे मैं अगर यहां पर लिखूं सात के पावर ए ठीक है भागा, फिर यहां पर लिखूं सात के पावर बी ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि आधार तो बराबर है साथ ही साथ ठीक है, और इसका जो और ये भाग में है तो भाग में है, तो हम क्या करेंगे कि सात का पावर हो जाएगा हमारा a माइनस बी, मतलब कि हम अपने पावर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे ठीक है। जैसे एक और उदाहरण देते हैं, अगर तीन के पावर सात हो और भागा हो, तीन के पावर पांच हो, तो क्या हो जाएगा बच्चे, तो ये हो जाएगा आपका तीन के पावर ठीक है, और सात में से पांच को क्या कर देना है, घटा देना है। क्यों घटाना, ये आपको अच्छी तरह से पता चल गया होगा कि यहाँ पर भाग में है और आधार बराबर है तो पावर को घटा देना है। तो आपको लिखना है सात माइनस पांच, यानी तीन का पावर क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा ठीक है। और तीन के पावर दो का आप मान निकालेंगे तो आपका तीन का दो बार गुना करेंगे तो तीन तीन में गुना होगा तो नौ आंसर आ जाएगा, सिंपल हो गया। तो आपने दूसरा सूत्र भी देखा, पहला सूत्र और दूसरा सूत्र में क्या अंतर है, ये आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा ठीक है। पहला सूत्र क्या कहता है, दूसरा सूत्र क्या कहता है, ये सभी बच्चों को समझ में आ गया। और हम तीसरा सूत्र पे चलते हैं ठीक है। तीसरा सूत्र ये है आपका, तीसरा सूत्र ये है बच्चे कि अगर इस तरह से रहे कि a का घात आपका लिखा हुआ रहा है, a का घात लिखा हुआ रहा है m ठीक है, और यहाँ पर गुणे b का घात लिखा रहा है n, चाहे m ही लिखा रहा है ठीक है। यहां पर देखिए कि a का घात m गुणे b का घात m, यहां पर ये देखिए कि इसमें जो क्या है कि आधार तो बराबर नहीं है, लेकिन क्या बराबर है इसमें, पावर बराबर हो गया। आधार बराबर ना होकर पावर बराबर हो गया, तो ऐसे प्रश्नों के लिए क्या होता है, ये सूत्र का जो रिजल्ट होगा वो होगा आपका कि a गुणे b के पावर m ठीक है। यानी करना क्या है कि जब आपका आधार बराबर ना हो और पावर बराबर हो जाए और गुना में हो, तो आधार में आधार से गुना कर दिया जाता है और पावर वही लिख दिया जाता है। जैसे a और b में हमने क्या कर दिया है, गुना कर दिया है, अब पावर वही लिख दिया है m ठीक है। जैसे एक उदाहरण ले लीजिए, अगर मैं ऐसे कहूं कि तीन का घात आपका दे दिया रहे आपका a ठीक है, और यहां पर लिखा रहे दो का घात a, तो आप इसमें क्या देखते हैं, आप इस उदाहरण में ये देखते हैं कि इसमें तो आधार तो बराबर नहीं है, बराबर है तो क्या बराबर है, पावर बराबर है। तो आपको ये करना है कि तीन में और दो से क्या करनी है, गुना करनी है, अब पावर वही लिख देनी है a, यानी कि तीन में दो से गुणा हुआ तो छः, छः का पावर ए, ये इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा ठीक है। तो तीसरा सूत्र क्या कहता है, सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा ठीक है। एक और उदाहरण ले लेते हैं, समझ में बढ़िया से आ जाएगा। जैसे एक और उदाहरण लेते हैं, मैंने यहां पर लिख दिया पांच के पावर तीन लिख दिया ठीक है, और फिर यहां पर लिख दिया दो के पावर तीन, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, इसमें तो आधार बराबर नहीं है, पावर बराबर है, तो हम क्या करेंगे, आधार में आधार से गुना कर देंगे और पावर उसी को लिख देंगे, पावर वही तीन हो जाएगा, पांच दुना के दस, दस का घात तीन, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ठीक है बच्चे। तो आपने ये तीन सूत्रों को अभी तक से जाना, मैं आपको इस वीडियो में सात सूत्र बताने वाला हूं ठीक है। तीन सूत्रों को आपने जाना, अब हम जान जाते हैं चौथा नंबर ठीक है। देखिए चौथा नंबर सूत्र क्या कहता है कि अगर a का पावर m हो ठीक है, और इसका पावर हो m, यानी पावर के पावर हो, तो पावर के पावर हो तो पावर में पावर से क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, हो जाएगा a के पावर m गुणे m
ठीक है। जैसे आप इस सूत्र पर कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 3 के पावर 5 और यहाँ पर लिख दूं इसका पावर 3, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पावर के पावर हो गया, तो आपको पावर में पावर से गुणा कर देगा, यानी 5 में 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 15। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 3 के पावर 15, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर एक और आपसे प्रश्न पूछता हूँ, 7 के पावर a लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पावर ए पावर के पावर है तो आप दोनों में गुणा कर दीजिए, ए में 2 से गुणा कर दीजिए, 7 के पावर 2a हो जाएगा। इस तरह से आपका ये उदाहरण भी कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो चौथा नंबर सवाल भी आपको समझ में आ गया है, चौथा नंबर जो सूत्र है उसके दो एग्जांपल्स हमने दिखाया आपको, ठीक है, कि पावर से पावर हो तो उसमें क्या कर दिए जाते हैं बच्चे, गुणा कर दिए जाते हैं। अब हम चलते हैं सूत्र नंबर 5वां को देख लेते हैं, ठीक है। देखिए 5वां नंबर सूत्र ये कहता है कि अगर a का पावर 0 हो तो उसका मान 1 होगा, तो सिर्फ a का ही पावर 0 हो तो ही उसका मान 1 नहीं होगा, चाहे कोई भी अंक हो, ठीक है, उसका पावर 0 हो तो उसका जो मान होता है वो 1 होता है। जैसे अगर मैं पूछूं कि आपसे 1 का पावर 0 तो इसका भी मान 1, 2 का पावर 0 इसका भी मान 1, 3 का पावर 0 इसका भी मान 1, ठीक है। उसी तरह से मैं अगर आपसे पूछूं कि a प्लस b प्लस c का पावर 0 है तो इसका भी मान 1, मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर मैं पूछूं कि x प्लस y का पावर 0 है तो इसका भी मान 1, ठीक है। तो आपको समझ में आ जानी चाहिए कि 5वां नंबर सूत्र कहता है किसी भी अंक का पावर 0 है उसका मान 1 होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर 1000 लिखते हैं और 1000 का भी पावर 0 है तो इसका भी मान 1 होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पर आप लिखते हैं a प्लस b प्लस c प्लस d का पावर 0 तो इसका भी मान क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। बस समझ में आ रहा सभी बच्चों को कि किसी भी अंक का पावर 0 है तो उसका जो मान होना चाहिए कितना होना चाहिए बच्चे, 1 होना चाहिए, ठीक है। तो अभी तक से आपने 5 सूत्रों को देखा, अब हम 6वां सूत्र को देख लेते हैं, ठीक है। देखिए 6वां सूत्र क्या कहता है, 6वां ये सूत्र कहता है कि अगर a का पावर माइनस में m हो, ठीक है, a का पावर माइनस में m हो तो करना क्या है आपको, अगर इसका जो पावर माइनस में है तो प्लस में करने के लिए आपको इसके नीचे तो एक छिपा हुआ होता है किसी भी अंक, जैसे मैं यहाँ पर 5 लिखूं तो 5 के नीचे तो एक छिपा ही रहता है, तो करना क्या है कि अगर इसका पावर आप माइनस से प्लस करना चाहते हैं तो करना ये है कि 1/2 में लिखना है 1 पावर m, ठीक है, 1 पावर माइनस m हो और इस पावर में जो माइनस दिया हुआ है उस माइनस को हटाना है तो आपको इसको पलट देना है, तो 1/a का पावर m हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप 2-3 एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मैं यहां पर लिख दूं कि यहां पर 2 के पावर -3, ठीक है, तो 2 के पावर -3 है तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है, और इसका अगर मान निकाला जाए तो 1/2 को कितनी बार लिखेंगे बच्चे, 3 बार लिखेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 8, क्योंकि 2 में 2 से गुणा हुआ तो 4 और 4 में 2 से गुणा हुआ तो 8। इस प्रश्न का जो आंसर होनी चाहिए वो 1/8 होनी चाहिए, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पर लिखूं कि 5 के पावर -2 तो हम इसे लिख सकते हैं 1/5 के पावर 2, ठीक है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 1/5 × 5 यानी कि 1/2 कितना लिखेंगे, 25, ठीक है। तो आपने अभी तक से 6 सूत्र देखा, एक लास्ट सूत्र देख लीजिए बच्चे, 7वां नंबर, ठीक है, यहां पर देखिए 7वां नंबर सूत्र क्या कहता है, 7वां नंबर सूत्र ये कहता है कि अगर a/b हो और इसका पावर माइनस में m हो तो बस वही करना है, मैंने आपसे बोला है कि अगर पावर माइनस में हो जाए तो माइनस से प्लस करने के लिए सिर्फ आपके पास एक उपाय है, आपको करना क्या है, जो आधार है उसको पलट देना है, ठीक है, यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं b ऊपर चला जाएगा a नीचे आ जाएगा और जो पावर आपका जो माइनस में था अब वो किस में हो जाएगा, वो प्लस में हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाली चीजें भी समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया कि 2/3 के पावर -2, ठीक है, 2/3 के पावर -2 और हमको पावर माइनस से प्लस करनी है, ठीक है, तो हमारे पास क्या उपाय है, आप सभी समझते हैं, उपाय यही है कि आपको करना क्या है, जो आधार 2/3 है तो आपको उसको पलट देना है, तो 3/2 हो जाएगा और इसका पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे आप कितनी बार लिखेंगे, आप इसे 2 बार लिखेंगे, 3/2 × 3/2, ठीक है, और 3-3 में गुणा हुआ तो 9 और 2-2 में गुणा हुआ तो 4, इस तरह से इस प्रश्न का आंसर हो गया आपका 9/4। तो आप सभी बच्चों को मैंने घातांक के कुछ सूत्रों को मैंने एक्सप्लेन किया, आई होप कि आपको सारी सूत्र समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा बच्चे तो प्लीज आप लाइक कर देना और आप चैनल पर अगर नए होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, धन्यवाद।